स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल एके मंडल में। आज अमित टॉक्स में हम मिलेंगे एक चहेते सितारे और जमीन से उठकर आए हैं और ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के सिंगर बन गए हैं, उन्होंने पूरी तालीम ली है और मेहनत किया है, पूरा डेडिकेशन उन्होंने सिंगिंग को दिया है। अब सिंगिंग उनके जहन में है, उनसे मिलेंगे और किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो सफारी लाल यादव और हम सुर सम्राट स्टूडियो में है। पूरे मुंगेर में एक नामी है, पूरा बिहार पटना का ये सुर सम्राट का हर जगह नाम है और उन्हीं स्टूडियो में एक है हमारे ब्रदर चहेते सितारे सफारी लाल यादव। दर्शकों को भाई नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। हम भोजपुरी गायक सफारी लाल यादव, आज हमें दिन में बहुत खुशी हो रहा बा कि आज हमारे मीडिया वाला भैया मेरे पास आए हुए पूछताछ करने के लिए संगीत के बारे में। और शायद मीडिया वाला भाई मुझे बहुत दिन से मेरे नाम को जान रहे थे, तो आज ने बाबा भोलेनाथ कृपा से हम लोग को साथ सब भाई के साथ मुलाकात दर्शन हो रही है। और अब भैया कहाँ से पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हमारे बिहार में जिस तरह सरकारी जॉब के लिए लोग होड़ मचाते हैं और ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार में सिंगिंग को बहुत महत्व देते हैं, और इसलिए नहीं देते कि मतलब कला है उनके जहन में। और ये जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये इधर आइए थोड़ा सा, आप शर्माइए मत, इन्होंने कितने स्टार बनाया आप यकीन करिए, अगर मैं गिनना शुरू करूं तो शाम हो जाए। और ये किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है, लेकिन हम आते हैं सफारी लाल यादव के, आपकी जर्नी, आपने जो पहला गाना गाया था क्या, कैसा था वो जर्नी, आपका पहला गाना बताइए और कब से कर रहे हैं आप सिंगिंग, मुझे ये बताइए। मैं 2017 से मैं इस लाइन में आया हूँ। 2017 जी? ओके, 2017 से मैं आया और मुझे एक, मैं यानी कि मैं धनबाद बस्ता को लगो माता को मैं सेवा करता था। अच्छा अच्छा, तो उस बीच में मैं चाहता था कि मैं कुछ गाना वाना गाऊं। ओके, और सही बात मैं ये है कि आप लोग से मैं छिपाऊं क्या, मैं कुछ पढ़ाई लिखाई करता था, मैं 2014 में मैट्रिक एग्जाम दिया। अच्छा। मैंने एक नंबर से रिजल्ट गड़बड़ हो गई, मैंने उसी दिन पढ़ाई लिखाई एक साइड कर दिया और मैं संगीत को अपना लिया। अच्छा, तो मैं संगीत का अपना लिया, तो मैं गौ माता को सेवा करता था, गुणगान करता था, जहाँ तहाँ मंच उच मिलता था मैं वहाँ जाता था, वहाँ गाते थे, गाते थे रात भर खड़ा होकर के रहते थे, मैं एक गाना का भीख मांग करके मैं उस मंच पर चढ़ता था। लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने? नहीं, मैंने हिम्मत कभी हारा नहीं, मैं हिम्मत कभी हार नहीं माना। उसके बाद करते करते हम एक हमारे बगल में हमारे छपरा डिस्ट्रिक्ट के रहते थे, गाना वाना गाते हो क्या? अच्छा। तो मैंने बोला कि हाँ भैया मैं गाता हूँ, तो बोलता है गाना वाना निकला है? बोले भैया इधर कोई ऐसा व्यवस्था है ही नहीं जो कि गाना मैं गा सकूं, और मैं तो गाना बहुत चाहता था। तो उन्होंने मुझे, उनका नाम है पिंटू पांडे, पिंटू पांडे जी, वो छपरा डिस्ट्रिक्ट से है। ओके। और मैं, वो भैया जी बोले कि चलो मेरे साथ, मैं उनके साथ, वो अपने घर ले गए मुझे। और जब मैं छपरा में गया तो मुझे एक असगर अंसारी है, अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर, एक राइटर हरिराम पुजारी है। अच्छा। तो हरिराम पुजारी आलमराज को लोग को भी मतलब गाना वाना लिख करके दिए करते थे। और जब मैं उसके पास गया तो देखभाल और थोड़ा समझने का मौका मिला, अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला। वहां से जब घूम के आया मैं फिर दोबारा वहां गया, तो माँ जानकी से मैं कंपनी धर लिया और उस गाने, उस कंपनी से मैं गाना स्टार्ट कर दिया। तो अब तक का आपका सबसे पॉपुलर गाना कौन सा है? मेरा सबसे पॉपुलर गाना अभी एक तो मैं माँ जानकी से है मेरा। अच्छा। वो 59 लाख कुछ हजार में है। तो दो लाइनें उसकी गुनगुना सकते हैं? तो वो जरूर, मैं जरूर मेरे दर्शकों को सुनाइए सर वो दो लाइनें आप। तो गाना है कि अरे मलिनिया फुलबारिया की मैया मोरी झूलली झूलुआ हो, भवानी मैया झूलली झूलुआ बाहो, भवानी मैया झूलते झूलते लागल पिया समालिनिया, घर चली रे गईली ना, भवानी मई के झूलते झूलते लागल पिया समालिनिया, घर चली रे गईली। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप इनको लाइव सुन रहे थे, जनरली लोगों को मौका नहीं मिलता है, लेकिन एक कलाकार है जो कभी भी, आप कहीं भी कलाकार हो सकता है और कहीं भी शुरू हो सकता है, उनमें शर्म हया ये सब नहीं होता, वो बस कला के लिए प्रेरित होते हैं। और मेरे नियरेस्ट कलाकारों से गुजारिश है, सबसे पहले अगर आपको सिंगिंग करना है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप डेडिकेट करिए। इनकी जर्नी मैं बताऊं, वैसे तो 5 साल लेकिन 8 साल है इनको, लेकिन आज तक इन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, और आज भी अगर ये गाते हैं तो ऐसा ही गाते हैं कि ये इनको आगे भी गाना है। तो आने वाला कोई आपका गाना? जी, आने वाले मेरे गाना है
जिसमें कि कल मैं एक रिकॉर्ड किया हूँ। अच्छा। और मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि जो गाना अभी मेरे नेट पे रिलीज नहीं हुआ है वो गाना मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं और जो दूसरा गाना आ चुका है मेरा, एक ठो नवरात्र में गाना आया हुआ था, वो गाना था कि सैया गे लई कारगिल बोडरवा, अरे रखिया माई नजरवा हे, अरे सैया गे लई कारगिल बोडरवा, अरे रखिया माई नजरवा हे, अमिटे नहीं दी हे मैया, मांगिया के सिनुरवा हे, मिटे नहीं दी हे दुलरी, मांगिया के सिनुरवा हे, अब बॉर्डर पे सैया हमर करै छै नौकरिया, आ रखले तू रहिया माई सभे पर नजरिया, इतने सा हम भिखे मांगै छी पसर के अपन आचरवा हे, आ मिटे नहीं दी हे दुलरी, मांगिया के सिनुरवा हे, मिटे नहीं दी हे मैया। क्या बात है, क्या बात है। जब मैं सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, तो यही है इनकी काबिलियत। अच्छा सर, ये बताइए कि भोजपुरी को जिस तरह लोग बदनाम कर रहे हैं और जिस तरह से अश्लीलता हमारे समाज में फैल रही है, तो उसके विषय में क्या आपकी ओपिनियन क्या है आपका उसके ऊपर? उसके ऊपर तो मैं ये चाहता हूँ कि गाने कोई गंदा गाना गाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी गा सकूँ, लेकिन 8 साल के अंदर मैं कोई गाना मैं ऐसा गाया नहीं, मैं साफ सुथरा से गाना गाया हूँ। और जब मैं माँ जानकी से काम करते करते हमारे गांव के इलाके के एक लड़के हैं, एक अभिषेक कुंडी है। अच्छा। एक आरआर सोनू है जो हमारे दोनों भाई की तरह हैं, और उन्होंने मुझे 2018 से मुलाकात हुए हैं, और वो दोनों आज के लेकर के मुझे समझिए कि वो दोनों भाई मेरे बायां और दायां हाथ हैं। मेरा एक कंपनी आशा रिकॉर्ड पदघागर में स्टूडियो है। अच्छा। जो कि हम तीन लड़का मिल करके वो स्टूडियो को चला रहे हैं, कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और वो दोनों लड़का जो स्टूडियो रखने का जो काम किए हैं, सिर्फ मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेरे लिए स्टूडियो रखा गया है जी। तो मैं वो दोनों भाई के लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं शायद सोचता हूँ कि मैं जिंदगी भर ये लोगों सबके लिए आभारी लोग हैं जो आपकी आवाज को सुनते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने कीमती वक्त हमें दिया, और इनकी वक्त को कदर करते हुए हम ये इंटरव्यू बहुत लाइक करते हैं। और जब भी मैं कोई काम करने के लिए आता हूँ ना, तो दिल खोल देते हैं दरवाजे के साथ साथ, अपने दिल खोल देते हैं, कहते सफारी भैया आप काम कीजिए। नहीं, फुलचंद जी का तो मैं इनको पिछले 6 महीने से जान रहा हूँ, और जहाँ तक मैं जान रहा हूँ इनके पास छोटे बड़े सब कलाकार हैं, और सबको मौका देते हैं। इट्स वेरी जेन्युइन गाय, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं सीखने के लिए भी, और अभी कुछ गाना यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। और हमारे सबसे ये जो है ये भी है हमारे अपकमिंग कलाकार, चंदन प्रेमी है और बहुत बढ़िया गाते हैं। भाई आज हमारे दिल में बहुत खुशी की बात बटे है सफारी के लिए, आज हमारे बड़े भैया ने मेरे इंटरव्यू लिए हैं, और ये इंटरव्यू आप लोग को इक्के मंडल के चैनल द्वारा से मिलेंगे देखने के लिए। तो मैं आप लोग से बेनती प्रार्थना करता हूँ कि इक्के मंडल चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस सफारी के भी तनिक ऊपर प्यार और दुलार बनोले रखी है भैया, और हमने ये बड़ा भाई के तनिक दुआ करोगे हर कोई हमने के भाई सही सलामत और स्वस्थ। और मैं अपने अपने ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि जब भी सफारी भाई का गाना आएगा मैं लिंक अपने चैनल पर जरूर शेयर करूंगा, तो जितने भी मेरे ऑडियंस हैं प्लीज सफारी भाई को सपोर्ट करना, इट्स अ वेरी जेन्युइन गाय। और सबसे बड़ी बात है भैया कि मैं आप जैसे कोई शो कराना चाहते हैं, कोई जागरण भक्ति भाव कार्यक्रम कुछ भी अवसर पे आप कराना चाहते हैं, तो सफारी लाल को एक बार मौका दें, कम से कम बजट में आप लोगों को मैं काम निकालूंगा, और उस काम में भी और काम के जैसा काम भी करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। स्टेज शो आप ध्यान रखना, स्टेज शो स्टेज प्रोग्राम कोई भी हो, और मैं सफारी लाल यादव आप लोगों के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।